हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर पर। मैं हूं जवाहर यादव और आज की वीडियो में हम आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में बतलाएंगे, ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, सहायक क्रिया, नियम, सिंपल सेंटेंस का सूत्र, निगेटिव सेंटेंस का सूत्र पूरा डिटेल से लिखवाए थे और समझाए थे। इस वीडियो में हम आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस के सूत्र को बतलाएंगे और उसको बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में जैसा कि स्टूडेंट हम दो सूत्र लिखवाते हैं, एक सूत्र है जब वाक्य से प्रारंभ होता सूत्र और एक सूत्र होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब। तो ये वाला सूत्र नोट करिए, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, विल, उसके बाद कर्ता, फिर है, फिर मुख क्रिया का थर्ड पार्ट प्लस अन्य शब्द ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या वह फल खा चुका होगा, ठीक है। तो इसमें चुका होगा आ गया, ठीक है। तो हम पहचान लिखवाए थे जिस वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी या होगा ही होगी या शब्द आता है तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो यह वाक्य जो है चुका होगा, चुकी होगी, यानी दोनों जो है वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं और वाक्य में प्रश्नवाचक भी लगा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देख रहे दोनों वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता सूत्र, तो यही सूत्र लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल, उसके बाद कर्ता, क्या के बगल में कर्ता आता है ही, उसके बाद लिख देंगे हैव, उसके बाद मुख क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख क्रिया खा चुका है, इसका थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, ईट माने खाना है, इसका थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा। उसके बाद बचा अन्य शब्द, अन्य शब्द कौन है, पालतू, एकदम सिंपल है कि नहीं। अगर इस सूत्र के हिसाब से फिट करिएगा तो एक भी वर्ड इधर उधर नहीं होगा, 100% आपका वाक्य सही बनेगा। पहले विल लिखना है, उसके बाद कर्ता भी सब्जेक्ट लिखना है, फिर है, फिर वो क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर अन्य शब्द, उसके बाद प्रश्न आ सकते। दूसरा वाक्य भी मेरे लिए इस तरह से होगा, जैसे क्या इसमें आ गया तो क्या का नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले लिख देंगे विल, उसके बाद क्या लिखेंगे, यू, उसके बाद है, ठीक है। भूल खा गया, करता है क्या, खा गया, आ गया मुख क्रिया का थर्ड पार्ट, तो मुख क्रिया कौन है, पी चुका, तो ड्रिंक माने पीना होता है, इसका थर्ड पार्ट ड्रिंक हो जाएगा, डी आई डी एन के, और अन्य शब्द क्या बचा, क्या, टी ई ए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दोनों वाक्य बन गए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी आशा करते हैं, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और दिक्कत का भी निराकरण कर देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम दूसरा वाला सूत्र लिखवा रहे हैं, आशा करते हैं कि आप लोग कुछ कर लिए होंगे जरूर, तब मिटा रहे हैं। अब देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब सूत्र, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तब सूत्र। तो सबसे पहले हम जो है प्रश्नवाचक शब्द को ही लिखते हैं, किसको लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद प्लस विल, प्लस कर्ता, प्लस है, प्लस मुख क्रिया का थर्ड फॉर्म, प्लस अन्य शब्द, प्लस
ठीक है। अगर पहला सूत्र आप याद कर लेंगे तो इसको समझ लेंगे, ठीक है। वही सूत्र है, केवल यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आगे बढ़ जाएगा। इसको जब बंद कर दीजिएगा तो विल करता है मुख्य आंसर, ठीक है, उसमें भी लिखे थे और इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, शिकारी जंगल कब जा चुका होगा, शिकारी जंगल में कब जा चुका होगा। लड़के शहर लड़के शहर क्यों जा चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी चुका होगा आ गया और यहाँ चुके होंगे, अर्थात यह दोनों वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका मतलब यह प्रश्नवाचक वाक्य है और शुरू में क्या नहीं है, अर्थात यह बीच वाला है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आए तब से इस सूत्र को लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढेंगे, देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द ये है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द ये है, तो उसमें कब है, इसमें क्यों है, ठीक है। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, इसमें इसको सबसे पहले बीच के आगे ले आएंगे, व्हेन प्रश्नवाचक शब्द लिखा गया, उसके बाद विल लिखेंगे, फिर क्या करता, करता कौन है, शिकारी हंटर, इसके बाद है, फिर क्या लिखना है, मुख क्रिया का थर्ड पार्ट, इतना ये कहीं नहीं है, ठीक है, मुख क्रिया का थर्ड पार्ट। तो मुख क्रिया जा चुका है तो वो माने जाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा, ठीक है। और इस अर्थ शब्द ये है जंगल में, जंगल में है तो इंडोर फॉरेस्ट, बात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे, इसमें क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे वाई, वाई के साथ लिख देंगे विल, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द के बाद विल, करता करता कौन है, लड़की वाइज, उसके बाद है, ठीक है, इसमें भी जा चुके का काम हो जाएगा और फिर सीखी है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी पड़ेगा तो उसका सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तो हम जो है 5 वाक्य आप लोगों को अभ्यास के लिए दे दे रहे हैं, इसी तरह से बनाइएगा बनाइएगा, 100% बनेगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लिखवा रहे हैं अभ्यास के लिए 5 क्वेश्चन, तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम 5 वाक्य आप लोगों को अभ्यास के लिए दे दे रहे हैं, एक्सरसाइज, इसको याद करके समझ करके उसके बाद का उन वाक्यों को बनाइएगा तो 100% सही बनेंगे। या Yeah.
ये पांच वाक्य है आप लोगों के अभ्यास के लिए दे दिए हैं एक्सरसाइज। इन पांचों वाक्यों को बनाइएगा, बनाने से पहले सुबह को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा तो 100% आपका वाक्य सही बनेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।